नमस्कार, आज हमारे साथ हैं श्री मनोज जी मिल। आप जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनू के अध्यक्ष हैं और चूरू का भी कार्यभार आपने अभी संभाला है। उपभोक्ता को कैसे अधिक से अधिक संरक्षण मिले, कैसे अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हो और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को न्याय मिले, यह एक तड़प आपके मन में है और आप निरंतर इसके लिए प्रयासरत भी रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपसे चर्चा करेंगे उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के बारे में और किस तरीके से ज़्यादा लोगों को इनका लाभ मिल सकता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे मनोज जी मिल से। मिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम चर्चा शुरू करना चाहेंगे उपभोक्ता मामलों की। जहाँ तक बात है, एक बहुत ही विस्तृत ये विषय है और हर जगह आदमी जो कोई भी व्यक्ति है वो हर जगह एक उपभोक्ता है, लेकिन हम जिस प्रकार से यह सरकार ने प्रयास किया है उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू करके, किस रूप में ये चीज़ें होती हैं, तो ये कानून क्या है और कैसे ये कोर्ट आपका काम करता है, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जो है उसमें व्यक्ति अपनी जो भी पीड़ाएँ हैं उपभोक्ता के संबंध में रख सकता है। सबसे बड़ी खूबसूरती इस अधिनियम की ये है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सामान्य उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी पीड़ा एक सामान्य प्रार्थना पत्र के साथ भी रख सकता है। वो चाहे तो अपने प्रतिनिधि के तौर पर रख सकता है, वो चाहे तो अधिवक्ता के माध्यम से रख सकता है। लेकिन इस बात को बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है कि प्रयास किया जाए, और अधिनियम की खूबसूरती और मूल पवित्र भावना भी यही है कि उसमें अंकित किया गया है कि किसी भी प्रकरण का निस्तारण 3 मास में किया जाए। प्राय देखने में आता है कि इस तरीके की स्थितियाँ नहीं हो पाती हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर सतत प्रयास किया जाए, सकारात्मक सोच के साथ किया जाए, तो इस मूल भावना को भी हम लोग छू सकते हैं। जी, कोई भी उपभोक्ता प्रकरण होता है वो आमतौर पर किसी फर्म के साथ होता है। फर्म चाहे जिला स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, वो एक बड़ी संस्था होती है और उपभोक्ता सामान्यतः एक आम आदमी होता है। उसके मन में ये रहता है कि कोई भी फर्म जो है ज़्यादा ताकतवर ढंग से उसके खिलाफ लड़ सकती है, बड़ा वकील खड़ा कर सकती है, बड़े संसाधन लगा सकती है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी बात है इस अधिनियम की जो उपभोक्ता को, जिसमें आप आश्वस्त कर पाएंगे कि उपभोक्ता का हित जो है कहीं भी प्रभावित नहीं होगा और बिल्कुल उसको बेहतर तरीके से न्याय मिल जाएगा। मैं आपको इस बात से अवगत करवाते हुए बड़े खुशी के साथ कह सकता हूँ, और आपके दर्शकों को भी मैं इस बात की जानकारी देना अपना फर्ज समझता हूँ कि अधिनियम के अंतर्गत जब उपभोक्ता आता है तो वो ये सोच के आए कि कोई भी व्यक्ति जिसने कुछ भी मूल्य चुकाया है, कोई प्रतिफल चुकाया है, उसके बदले में जो उसने सेवा दी है, कोई वस्तु खरीदी है, वो उपभोक्ता है। और इसका एक विस्तृत रूप ये है कि माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा कोई दवाई ले रहा है, वो उपभोक्ता है। और अंतिम यात्रा पे जाने वाला व्यक्ति कफन ओढ़ के जा रहा है, वो भी उपभोक्ता है। मैं कह सकता हूँ और आज याद करना चाहूँगा, मेरे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी इस अधिनियम को लेकर आए, और आज पुनः कहना चाहता हूँ आज के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अधिनियम को 2019 में बहुत बड़ी ताकत के साथ में दोबारा रिसाइकिल किया है। और आज स्थिति ऐसी कह सकता हूँ मैं निश्चित तौर पर कि कोई भी उपभोक्ता अपने साथ होने वाले किसी भी छदम, किसी भी सेवा दोष, किसी भी अनुचित व्यापार व्यवहार, एक आप चीज़ें देखते होंगे कि बहुत सी चीज़ें छुपाई जाती है जिसको डार्क पैटर्न कहते हैं, पर्दे के पीछे से योजनाएं लागू कर देते हैं, उन सब के ऊपर बहुत बड़ी चोट करते हुए इस अधिनियम ने मजबूती से काम करना शुरू किया था 1986 में। और आज मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो इस हिंदुस्तान का नागरिक है, निश्चित तौर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उसके अधिकार संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। साथ में मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ राजस्थान के हम रहने वाले हैं, हमारे यहाँ एक स्लोगन चलता है, अतिथि देवो भव है। मैं इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, उपभोक्ताओं का आह्वान करना चाहता हूँ, उपभोक्ता देवो भव है। उपभोक्ता है तो व्यापार है, उपभोक्ता है तो सर्विस प्रोवाइडर का काम चलता है। एक उपभोक्ता को आप सामान्य व्यक्ति नहीं समझिए, उस व्यक्ति के माध्यम से अर्थव्यवस्था चलती है। और निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जब उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सावचेत होगा, अब इसमें जरूर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, और निवेदन इस रूप में करना चाहूँगा कि हम हिंदुस्तानी व्यक्ति थोड़े भावुक व्यक्ति होते हैं, और भावना होनी तो अच्छी है, लेकिन उस भावनाओं के वशीभूत होकर हम अपने अधिकार को छोड़ दें, ये थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं कानूनी रूप से उनसे निवेदन करना चाहूँगा
कि उनको थोड़ा मजबूती लेनी पड़ेगी, मजबूती इस रूप में कि आप किसी अपने परिचित व्यक्ति के पास भी जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिनसे आपने अनेक बार सेवाएं लिए उनके पास जा रहे हैं, लेकिन आप अपनत्व की भावना से, अपने जानकारी की भावना से आप उनसे बिल नहीं लेते हैं, ये बहुत बड़ी चोट है। ये चोट दो जगह है, आपके पास समुचित बिल नहीं है जो राशि चुकाया है उसका, तो आप उपभोक्ता के रूप में जो अधिकार संरक्षित कर रहे हैं वो नहीं होते। साथ में सरकार का बहुत बड़े टैक्स की चोरी के भी हम वाहक होते हैं। तो मेरा निवेदन है विशेष तौर पर कि हम कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा अगर खरीदते हैं तो आप रसीद लेना सुनिश्चित करें। जिस व्यक्ति के हाथ में रसीद होगी वो उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षित है, संरक्षित है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किसी भी व्यक्ति को बिल लेना चाहिए। आपने ये भी बताया कि 1986 लेके आज तक जो है सरकार ये चाहती है कि उपभोक्ताओं को न्याय मिले, उनके अधिकारों का संरक्षण हुआ हो, लेकिन किसी भी कानूनी प्रक्रिया में ये एक बड़ी चुनौती रहती है कि उसमें समय बहुत लगता है। हर व्यक्ति को लगता है कि कानूनी पचड़े में पड़ने से उसका समय बहुत ज़्यादा होगा, और उपभोक्ता मामलों की जहाँ तक बात है वो 2 रुपये से लेके और लाखों करोड़ों रुपये तक वो मामला हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे मामलों में आदमी फिर ये सोचेगा कि मेरे 2 साल 3 साल या 5 साल अगर इसमें लगेंगे तो इसके बजाय तो मैं 10-20-30 हज़ार रुपये का नुकसान भुगतना ही ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ की जा रही है या की जानी चाहिए जिससे जो है ये न्याय प्रक्रिया जो है त्वरित हो, थोड़ी सरल हो और ज़्यादा जल्दी लोगों को न्याय मिले, ऐसा क्या किया जा रहा है? झुंझुनू में जब से मैंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रति सहायक में अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण किया है जी, मेरे सामने मेंबर रहते समय में बहुत सी समस्याएं आई थी। उन समस्याओं को जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि उपभोक्ता जो है वो महसूस करता है कि मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आया है, मैं आपके माध्यम से आम जन तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी ताकत हमें मिली है। ताकत ये मिली है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग वहाँ तक के परिवार सुन सकती है जहाँ तक किसी व्यक्ति ने कोई सेवा या वस्तु खरीदने के लिए 50 लाख रुपए तक खर्च किए हों, अनुतोष वो कितना भी मांग सकते हैं, करोड़ों मांग सकते हैं। ये एक बड़ी चीज आई है। पहले ऐसा था कि वो 20 लाख तक का ही था और वो भी आर्थिक आधार प्रतिफल पे नहीं था, वो पूरी सामूहिक रूप से जो मांग की जा रही उस पर था। अब ये हो गया कि जो प्रतिफल चुका रहे हैं, प्रतिफल के रूप में 50 लाख रुपए तक चुकाने तक आप जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोधक आयोग में आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि बड़े से बड़ी खरीदारी का भी व्यक्ति सामान्य तौर पर आ जाता है। स्थानीय स्तर पर आपको जिला मुख्यालयों पर आयोग मिलते हैं। राजस्थान में आज के दिन 37 जिला आयोग संचालित हो रहे हैं और मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि जो एक लंबी प्रक्रिया है और इन आयोगों को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है भारत सरकार का, वो भी यही है कि सामान्य व्यक्ति अपने एक प्लेटफॉर्म पर जाए, अपनी बात रखे, सामान तरीके रखे और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाने के लिए इस आयोग में बड़ी अच्छी खूबसूरती रखी गई है। परिवादी आता है, अपना पक्ष रखता है, विपक्षी को समन जारी होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, दोनों की बातों का तार्किक रूप से विवेचन करते हुए उसका निर्णय होता है। एक जो अभिनव प्रयोग किया है जो झुंझुनू में किया है, बड़े सफल रहे हैं हम लोग और आज कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ओल राजस्थान में सबसे अधिक निस्तारण प्रकरण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशाखा झुंझुनू ने किया है। चूरू के आम उपभोक्ताओं से, विद्वान अधिवक्ताओं से और उपभोक्ता संगठनों से मेरा विशेष तौर पर आह्वान रहेगा कि आप जागरूक हों, उपभोक्ताओं को समझाएं और लोकदल की ओर उनको जोड़ें। लोकदल से दो खूबसूरतियां निकल के आती हैं आपसे, जैसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर उसी कहीं पे भी अपील नहीं होती है। एक लोक अदालत में दोनों के सामूहिक समझाइश से अगर कोई निस्तारण हो जाता है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता मैं हारा हूँ या जीता हूँ। उसके साथ ही मुकदमों का जो एक अंबार हम लोग देखते हैं, बार बार मीडिया में भी बातें आती हैं कि न्यायालय में बहुत मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं, वहाँ पर भी एक प्रेशर कम होता है। जिला आयोग में लोक अदालत से प्रकरण का निस्तारण होने का मतलब है वो आगे अपील में नहीं जाएगा। हमने प्रयास किया, झुंझुनू में हम सफल रहे और मैं संतों की धरती चूरू में महसूस करता हूँ, विश्वास है मुझे कि यहाँ के विद्वान अधिवक्ताओं ने सकारात्मक सहयोग किया और सकारात्मक पहल की जैसा आयोग ने आह्वान किया है। यहाँ मैंने कार्यग्रहण करते हुए उनसे, विद्वान अधिवक्ताओं से, उनके बार से, उपभोक्ता संगठनों से और जो भी विद्वान लोग आते हैं जो उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सावचेत हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि सकारात्मक सोच के साथ में उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय कैसे मिले इसके लिए एक सामूहिक प्रयास से ही रास्ता निकल सकता है। साथ में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं आपको, आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति आज निश्चित तौर पर, हो सकता है थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमारे यहाँ मैन पावर की कमी है, पद खाली चलते रहते हैं। आज जैसे मुझे यहाँ कार्य
अतिरिक्त कार्यभार मिला है, लेकिन फिर भी मेरा सदप्रयास ये रहेगा कि हम अधिकतम और त्वरित न्याय दें। बहुत सी ऐसी फाइलें आई हैं जो अनावश्यक रूप से केवल चल रही थी, आज उनको हमने सर्च किया है, उनका एक अलग से एनालिसिस कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर यहाँ के विद्वान अधिवक्ता सकारात्मक रूप से उसको चाहेंगे तो उपभोक्ता आयोग एक बेहतरीन और एक नज़ीर पेश करने वाला काम चूरू में करेगा। और चूरू के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ के उपभोक्ता बड़े जागरूक हैं, और जागरूक मैं इस रूप में कह सकता हूँ कि यहाँ के किसान, जिनके बारे में कहा जाता है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि धरती का सीना चीरने वाला ये किसान जो है, ये अन्नदाता ही मत कहो, ये भगवान का एक रूप है जो बड़ी कड़ी तपस्या करता है सबके लिए, ये हंसते हंसते मिल जाता है और अपने दर्द को पी जाता है। यहाँ मैंने चूरू में जो मुझे एक यूँ कह सकता हूँ उपहार मिला है, और हो सकता है यहाँ की संतों की धरती जो है कुछ मेरा जुड़ाव होगा उससे कि उन्होंने मुझे यहाँ आह्वान करके बुलाया इस धरती ने, और मेरा प्रयास रहेगा कि किसानों के जो मुकदमे हैं यहाँ, अधिक जो मुकदमे हैं वो कृषि बीमा से संबंधित है, फसल बीमा से संबंधित है, किसानों से संबंधित है, बड़ी संख्या है जिनकी 4,000-5,000 के लगभग आज उसके अलग अलग स्क्रूटनी करवाई गई है, और प्रयास रहेगा। और अधिवक्ताओं के साथ में मैं आम उपभोक्ता से भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी फाइल का सावचेत होकर पीछा करें, अपनी तारीख पेश पे आके उनके साथ क्या हो रहा है अपनी बात रखें, और वो बात रखेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट अच्छा आएगा, परिणाम तो सुखद होगा ही होगा। हमें बड़ी खुशी होगी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत हम उन किसानों को जो उनकी आशाएं हैं, ये जरूर कहना चाहूंगा, उपभोक्ता आयोग कानून सम्मत विधि सम्मत विवेचना करते हुए जो त्वरित न्याय कर सकता है उसका सदप्रयास निश्चित तौर पर करें। बहुत अच्छी बात आपने कही, किसानों की ये धरती भी है और पूरा देश ही कृषि प्रधान देश है, अगर किसानों के साथ हम न्याय कर पाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम यहाँ हो सकता है। किसानों के फसल बीमा के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, कई बार उनको गलत बीज दे दिया जाता है, गलत खाद दे दी जाती है, इस तरीके से भी उनके साथ इस तरह की चीज़ें आती हैं। एक और जो बड़ी चीज़ है मील साहब, इन दिनों जो देखने को मिल रहा है कि बैंक से रिलेटेड फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, और बैंक से रिलेटेड फ्रॉड में पहले तो ये होता था कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उपभोक्ता भी डिफॉल्टर रहता था कि उसने कोई पासवर्ड दे दिया या कोई OTP बता दिया, लेकिन इन दिनों तो यहाँ तक हो रहा है कि उसे सूचना ही बाद में मिलती है जब उसके पैसे कट चुके होते हैं, खर्च हो चुके होते हैं, और बैंक में जब व्यक्ति जाता है तो उसे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस तरह की चीज़ें बहुत सामने आ रही हैं, इसमें क्या वो उस उपभोक्ता के दायरे में कवर होता है, व्यक्ति होता है तो उसको किस प्रकार से बैंक को रिलीफ देना चाहिए या दिया जा रहा है, और इस बारे में जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून हमारे क्या कहते हैं? मैं दो चीज़ों पर विशेष फोकस रखना चाहूँगा और आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने सामान्य जो चूरू ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, वरन पूरे भारत की ये समस्या है। एक लाइन में तो ये कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए जो फसल बीमा का विवाद बढ़ता है, मैं उनसे आह्वान करता हूँ प्रत्येक किसान से, और ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ उनका बेटा बेटी पढ़ नहीं रहे हो, वो जो बीमा ले रहे हैं उस बीमा को एक बार पढ़ें, उसमें कुछ शर्तें हैं, मैं एक खुलासा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें तो यहाँ तक खूबसूरती लिखी गई है कि अगर कोई किसान फसल का नुकसान हुआ सूचना दे रहा है प्रशासन को और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो 72 घंटे में वो प्रशासनिक स्तर पर सक्षम स्तर पर अपनी बात रखे, 72 घंटे में अगर उन्होंने रख दी तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उस अधिकारी की होगी, और अगर कहीं पर उसकी फसल को नुकसान हुआ है तो निश्चित तौर पर उसको मुआवजा मिलेगा। दूसरी बात आई कि हम किसान को कैसे समझाएं, तो किसान को इस रूप में समझाना चाहिए कि आपका पैसा कट रहा है, देखिए बैंकों में आप KCC लेते हैं, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा जो मेरे सामने सुनवाई के समय आए हैं, विशेषकर आप जिस बीमा कंपनी से जुड़ रहे हैं आपका अधिकार है बैंक को कहें कि मेरा प्रीमियम किस बीमा कंपनी को दिया गया है। बहुत से सुनवाई के समय ऐसा केस आता है कि किसान को पता ही नहीं है कि उसका प्रीमियम किस कंपनी ने दिया। हमारे देश में 5 जो कंपनियां हैं जिनका MOU भारत सरकार के साथ है और जिनके संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं हम यूँ कह सकते हैं कि RBI की गाइडलाइनें बंधी हुई है, भारत सरकार के कानून भी बंधे हुए हैं, उनके अंतर्गत वो कंपनियां काम करती है, तो उसकी दायित्व बनता है कि जिस किसान का प्रीमियम ले रहा है, पैसा ले रहा है, वो उसे बताए कि वो इस कंपनी के अधीन है। एक गांव में एक और आता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही हैं, सहकारी जो ऋण लिया जाता है वहाँ आज भी ऑफलाइन काम होता है, पैसा जब आप देने जा रहे हो तो कच्ची रसीद ले लें, इस अधिनियम की यही खूबसूरती है, आपके पास कच्ची भी रसीद है तो भी आपका राइट संरक्षित हो जाएगा। ये चीज जब आप रखेंगे तो किसान के पास उसका अधिकार रहेगा।
आज किसान जब आता है कि बैंक ने पैसे काटे मुझे मुआवजा नहीं मिला, बैंक फिर बताता है, तो मैं बैंकर से भी निवेदन करूंगा और कहना चाहूंगा कि आरबीआई के बड़े स्पष्ट गाइडलाइन है कि जिस उपभोक्ता से आप पैसा लेते हैं उन्हें बताएं स्पष्ट रूप से। जी, और हमने बहुत से फैसलों भी कहा है और यहाँ भी अगर समय आया तो उसको मैं यहाँ भी कोट करना चाहूंगा कि बैंकों को एक फैसला मेरे सामने आया था जिसमें निर्णय करते समय बिल्कुल निर्देशित किया गया कि आप भारतीय रिजर्व बैंक के गाइड का पालना करें और पालना के साथ में स्थानीय भाषा में उसे जो भी आप पॉलिसी दे रहे हैं उसकी व्याख्या है उसे समझाएं। साथ में आपने साइबर की बात की, ये पूरे देश का ही नहीं पूरे विश्व की आज समस्या है। मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को, धन्यवाद दूंगा रिजर्व बैंक को कि उन्होंने बहुत मजबूती से आप लोगों के लिए एक अधिकार दिया है। अगर आपकी गलती नहीं है तब तो आप सुरक्षा पा ही पा रहे हैं, आपसे गलती भी हो गई तो पहले तो मैं यूथ से निवेदन करना चाहूंगा, युवा शक्ति से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो लिंक है जिनको हम चला रहे हैं, आज डिजिटल जमाना है हम चलाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा लिंक जो ऑथराइज नहीं है जो आपको ठीक नहीं लग रहा अनायास किसी पे आप क्लिक नहीं करें, क्लिक करते जैसे आपने कहा मैसेज नहीं आते, क्लिक करते ही आपका पूरे मोबाइल का क्लोन दूसरे पास चला जाता है जी। उसको नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता नहीं जाएगा, फिर भी अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक का सर्कुलर है बाकायदा और हर एक बैंक उसे पाबंद है कि 72 घंटे में आपने लिखित रूप से बैंक को सूचित किया तो आपके पैसे को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी बैंक की है जी। साथ में मैं निवेदन करूंगा साइबर एक्सपर्ट के लिए भी भारत सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है, आपसे भी निवेदन करूंगा कि मीडिया के माध्यम से भी आप टोल फ्री नंबर उसको बताएं और साइबर एक्सपर्ट जो काम कर रहे हैं पुलिस के हमारे साथी जो अफसर काम कर रहे हैं, बहुत सी बार मुझे खुशी होती है कि नौजवान जो अफसर आज एक्सपर्ट है इसमें उनसे विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि वो अपना जो एक्सपर्ट है जो अनुभव है उससे भी सामान्य जन में भी बांटें, थोड़ा सा पुलिस और सामान्य जन के बीच में इस चीज को रखें कि आप इतने नंबर पे कॉल करके तुरंत आप करें, केवल फोन करके पुलिस में नहीं छोड़ दें, पुलिस के पास आप लिखित में भी कागज दें, उससे आपकी जिम्मेदारी तो बढ़ेगी लेकिन मैं कह सकता हूँ आपको सुरक्षा और संरक्षण मिलेगा। बहुत बढ़िया आपने बताया। एक और चीज भी हम चर्चा करना चाहेंगे, इन दिनों एक बात चलती है जब भी हम स्वास्थ्य पे और पे चर्चा करते हैं तो हर कोई कहता है कि आजकल खान पान में वो बात नहीं रही। उस बात का एक पहलू तो ये है कि प्राकृतिक रूप से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, उसके अलावा जो है मिलावट जो है हर चीज़ में, दूध में, घी में, तेल में, मसालों में, सब जगह ये सुनने में आता है, अक्सर कार्रवाई भी होती है कि मिलावट पाई गई। ये जो मिलावट है उससे आम उपभोक्ता कैसे लड़ सकता है और किस तरीके से ये कवर होती है और क्या करना चाहिए उसको? मैं इसके लिए आपसे एक उदाहरण के साथ में आपको निवेदन करना चाहूँगा और आमजन को भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब मैंने झुंझुनू में कार्य ग्रहण किया तो मेरे एक पत्रकार साथी मेरे से मिलने आए थे जी। उनके साथ लगभग 8 या 9 साल की उनकी बिटिया आई और जब हम पानी पीने लगे तो मैंने यूं ही हंसते हुए कहा कि बेटा इस पे डेट देखना कि तारीख कितनी है जी। फिर एक चॉकलेट वो लाई थी खिलाने के लिए कि अंकल मैं आपको गिफ्ट देने आया हूँ, तो मैंने कहा बेटा इस पे डेट देखो जी। तो वो डेट जो थी वो केवल एक दिन बचा था, तो मैंने कहा बेटा आप एक दिन तक तो अपन खा सकते हैं, ये बात सामान्य तौर पे की। वो खुशी मना के चली गई। उन्हें पत्रकार महोदय ने लगभग 20-25 दिन बाद में उस बच्ची को लगभग 200 रुपये की एक चॉकलेट ला के दी। उस बच्चे ने उसको पढ़ा और जो ही उस डेट को देखा कि डेट तो एक्सपायर हो चुकी 15 दिन पहले, उस बच्चे ने उसको डस्टबिन में डाल दिया। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके कहा कि चेयरमैन सर एक बात तो कहना चाहूँगा कि मेरी बच्ची का स्वास्थ्य आपने बचा लिया, बच्चे इतने अवेयर होते हैं कि हमें भी रोक रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों को अवेयर करें जी। शिक्षण संस्थाओं को और कॉलेजों को विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, आप चाहें तो जिला आयोग के साथ एक समन्वय करके कार्यशाला बना सकते हैं जी। मेरा मानना है कि नौजवान कोई चीज़ को ठान लेता है तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम अजय जी बहुत अच्छे आते हैं। और स्वास्थ्य जो है क्योंकि चूंकि हर व्यक्ति जुड़ा हुआ मामला है, मेरा मानना है आप कोई भी खाद्य सामग्री लेते हैं उसे देखें जरूर, अगर वो कंटेंट लिखा हुआ है और पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आपका अधिकार है कि आप उसे कहें कि इसको पूरा बड़ा में मुझे दें जी, आप पढ़ के बताएं। अगर कहीं आपको लगता है मिलावट हो रही है जी, बेझिझक प्रशासनिक तौर पर आप सूचित कीजिए। अगर आपकी कहीं सुनाई नहीं हो रही है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आपके प्रार्थना पत्र पर समुचित प्रयोगशाला में उसकी जांच करवाने के लिए भी आपके अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। बहुत बढ़िया। और आखिर में हम आपके आपसे सुनना चाहेंगे ऐसा कोई या तो रोचक कोई फैसला जो आपने आपने दिया हो या उपभोक्ता मामलों को लेकर किसी भी कोर्ट ने दिया हो और वो कोई भी जरूरी बात जो आप उपभोक्ताओं से अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे।
मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी व्यक्ति इस रूप को जिस दिन स्वीकार कर लेंगे कि इस हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक एक जागरूक उपभोक्ता बन जाएगा, उस दिन वो निश्चित तौर पर एक जागरूक नागरिक बनने के साथ साथ सशक्त भारत का भी नागरिक बनेगा। उसके साथ ही मेरा ये भी निवेदन है कि हमारे पास एक बिजली का फैसला आया था जी। विद्युत अधिनियम 2003 बहुत खूबसूरत अधिनियम है, मैंने पढ़ा है उसे। सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में या शहर में भी आप लोग देखते होंगे और बहुत सी बार हम ये भी देखते हैं कि आंदोलन भी होते हैं विद्युत के लिए, लेकिन आंदोलन के साथ में उस अधिनियम को अगर हम पढ़ लें उसमें बाकी व्याख्या की गई है कि आपका मीटर रीडर कैसे रीडिंग लेगा, आप कितने दिन में कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आपने डिमांड नोट जमा कर दिया, समुचित प्रार्थना पत्र जमा कर दिया, आपने सभी प्रक्रियाएं पूरी कर दी जो विद्युत विभाग आपसे करवाना चाहता है। अधिनियम की धारा 43 कहती है कि आपके द्वारा सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के 30 दिवस तक विद्युत विभाग को आपका कनेक्शन देना पड़ेगा, और अगर नहीं देते तो उसका कारण बताना पड़ेगा। अगर विधि सम्मत और उचित कारण नहीं है तो प्रतिदिन, आप नोट कीजिएगा, हर रोज पर डे 1000 रुपये तक का जुर्माना विभाग से वो उपभोक्ता हासिल कर सकता है। ये खूबसूरती है। ऐसे ही धारा 56(2) है, आप विभाग बकाया आपसे आज मांग रहा है, वो 2 साल के बाद में कंटिन्यू मांग रहा है, तो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट किया है कि भाई आप लगातार मांगो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार मांगा फिर भूल गए। आपके पास डिमांड की गई, मांग की गई, वो डिमांड मांगने के बाद में विभाग आपसे कुछ नहीं कर रहा, 2 साल बाद का समय गुजर गया, 2 साल की म्याद के बाद में विभाग को अधिकार ही नहीं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, उनको करना चाहिए। और दूसरा और करना चाहता हूँ, विद्युत विभाग और जलदाय विभाग सामान्य व्यक्तियों से, हर व्यक्ति से जुड़ा विभाग है। इसमें योजनाएं आती है, पेनल्टी माफ की, ब्याज माफ की, लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण की। मेरा एक आह्वान है कि इन सभी उपभोक्ताओं को लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाना चाहिए। एक अभी हमने फैसला ये किया कि एक बच्ची ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में एक नंबर की गलती हो गई और वो किसी दूसरे नंबर पर चला गया। राजस्थान की झुंझुनू की बच्ची है जो पैसा भेजना चाह रही थी किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ पर अलवर में, एक नंबर की वजह से वो पैसा चला गया बिहार में जी। एक बैंक से दूसरे बैंक का मामला आ गया जी। एक बैंक, जिस बैंक में उस बच्चे का खाता था उसने शिकायत की, बैंक ने लेटर लिख के जो दूसरे खाता धारक था उसके बैंक से शिकायत को आगे भेजा, उस दूसरे बैंक ने उसके ऊपर रोक तो लगा दी जी। लेकिन उस बच्ची को 3.5 साल तक कोर्ट कचहरियों में घूमना पड़ा जी। अब हमने फैसले में कहा कि ये बैंक एक दूसरे के ऊपर जो जिम्मेदारी डाल रहे हैं ये अच्छा कार्य नहीं जी। जिस बैंक की वो खाता धारक है उसका भी नैतिक दायित्व है कि उसका पैसे दें, अच्छी बात है उसे सुरक्षित करवाएं, लेकिन जो बैंक उस खाता धारक उस बच्ची की शिकायत पर पैसे को होल्ड कर रहा है, लेन लगा रहा है, रोक रहा है, और सामने वाला जिसे खाते में गए हैं विवादित खाता है वो खाता धारक पैसा नहीं निकाल रहा है, तो आप उस बच्ची को स्वाभाविक रूप से पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। विद्वान अधिवक्ताओं ने कहा साहब कोर्ट का आदेश होता तो अच्छा होता, तो मैंने उनसे निवेदन किया मौखिक कि देखिए ऐसी परिपाटी नहीं होनी चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। तो इन सब चीजों से उस केस से मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस बच्ची की मैं दाद देना चाहूंगा, कॉलेज में पढ़ने वाली एक बच्ची, पैसा भेजते टाइम एक नंबर गलत आया, जैसे आपने साइबर वाली बात की, उस बच्ची ने जागरूकता से शिकायत की, उसका पैसा 3.5 साल जरूर लगा लेकिन वो पैसा सुरक्षित है, हमने उसे मानसिक संताप के साथ, परिवाद विवेक के साथ मैं ब्याज रुपये दिलवाए। इसी के साथ हमारे पास एक फैसला हो रहा है, उसमें यह था कि साहब बीमा पॉलिसी अगले ने करवाई नहीं, एक व्यक्ति बैंक में खाता खुलाने गया, वहीं पर एजेंट बैठे थे, उन्होंने कहा आपका खाता खोले, उन्होंने कहा मैं नहीं खुलवाऊंगा। लगभग उस खाता खोलने के 2 साल बाद में बैंक ने और उसका बीमा करवा दिया और दूसरी बीमा पॉलिसी ने उसकी पॉलिसी जारी कर दी। इसमें सबसे बड़ी जो चीज आई वो महत्वपूर्ण है, वो परिवादी को जो ही पता चला कि मेरा बीमा हो गया, उसने ऑनलाइन शिकायत की मैं बीमा नहीं चाहता जी।
उस बीमा पॉलिसी में शर्त थी कि 15 दिन में वो व्यक्ति अपनी सरेंडर करवा सकता है। उसने 7 दिन में ही कह दिया कि मैं नहीं चाहता, और वो लगातार लगभग 90 दिन तक कहता रहा मुझे बीमा नहीं चाहिए। बैंक ने सबसे बड़ी गलती क्या की, उस खाताधारक के बैंक में पैसे केवल मात्र 43 रुपए के लगभग कुछ था, और उसकी जो प्रीमियम बनती है 15,000 वो उसके खाते में देनदारी में डालकर और पॉलिसी बनाने वाली बीमा कंपनी को भेजती। हमने फैसले में लिखा है ये जो कार्य है ये अनुचित व्यापार व्यवहार है, आप खाताधारक की सहमति के बगैर किसी की बीमा नहीं कर सकते और उसकी सहमति के बिना किसी का प्रीमियम काट के नहीं दे सकते। अब एक सवाल और आता है, बहुत सी बार ये भी मामला आता है कि ऑटो मोड आप प्रीमियम चुकाते हैं, उस प्रीमियम को जो ही आप चुकाएंगे उसके बाद में वो हर साल रिन्यूअल होता है। तो मेरा मानना है कि सभी कर्मचारियों को, जैसा कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एटीएम रखते हैं जी, और निश्चित तौर पे आपके पास एटीएम होगा, जो केसेज आज के दिन हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन वो एटीएम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर व्यक्ति मेरा देश का नागरिक सुरक्षित हो, उन्होंने जो प्रधानमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा दी है उसके पैसे तो उन्होंने हर खाते से कट जाते हैं जी, लेकिन किस कंपनी से वो प्रीमियम लिया गया, किससे बीमित हुआ, ये पता नहीं चलता। तो हमने एक फैसले में बाकायदा निर्देशित किया बैंक को कि अमुक व्यक्ति को ये अधिकार है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कि वो आपका जब खाता धारक है, वो आपका उपभोक्ता है, वो आपको प्रीमियम चुका रहा है, वो आपके पास बीमा करवाने के लिए धन दे रहा है, अपना प्रतिफल चुका रहा है, तो आप निश्चित तौर पर उसे ये बताएं कि वो किस बैंक से, किस बीमा कंपनी से अधिकृत है, उसके नुकसान होने पर या उसके साथ दुर्घटना होने पर उसे क्या क्या लाभ मिलेंगे। साथ में ही जो आपने खाते की बात कही है, मैं पुनः कहना चाहता हूं, आप प्रण लें, संकल्प लें, पीने के पानी को जरूर देखें, गलत नामों से मार्केट में बहुत तरह की बोतलें चलती हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा जहर है। मैंने मेडिकल क्राइसिस को जीवन में खुद को झेला है, मैं खुद 46 डेज ICU झेल के आ चुका हूं, और मेरा विनम्र निवेदन है चूरू की धरती से, आम व्यक्ति से, कि खाने और पीने की चीजें आपके खुद के जीवन के लिए हैं, उसके प्रति आप सावचेत होंगे तो मेरा विश्वास कहता है कि आपने खाने और पीने की चीजों के ऊपर अपने आप को सुरक्षित कर लिया, जागरूक कर लिया, अन्य चीजें आपको सुरक्षित करती जाएंगी। साथ ही मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सी बार भ्रांतियां होती हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट की खूबसूरती देखिए कि आपने अपनी जमीन की नप्ती करने के लिए भू प्रबंधक के यहां पर पैसा जमा करा दिया और वो समय पर पाबंदी तय कर दी कि इस तारीख को आपका करेंगे, और फिर भी पैसा जमा करके वो आपकी नप्ती नहीं करता है, ऐसे केसेस को भी माननीय न्यायालयों ने, उच्चतम न्यायालयों ने ये माना है कि वो उपभोक्ता है, उसकी जमीन की नप्ती करने का कार्य उसे करना पड़ेगा जी। ये जो कुछ चीजें हैं, ऐसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्यायिक दृष्टांत में बाकायदा विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जहां दो व्यू हैं, जैसे आपने कहा था कि लोगों को लगता है कि बड़ी कंपनियां हैं, बड़े लोग हैं, वहां दो व्यू बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये एक व्यू ये है एक व्यू है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोट किया है और विधि की व्याख्या की है कि जहां दो व्यू भी पॉसिबल हो, लगता हो दो व्यू, तो उपभोक्ता आयोग उपभोक्ताओं की तरफ उस व्यू को ले। आज के दिन माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरे देश के लिए लागू होता है, और मैं पुनः निवेदन करूंगा चूरू के आम उपभोक्ताओं से कि आप फसल बीमा का प्रकरण हो, आपकी सामान्य बीमा का प्रकरण हो, मेडिकल नेग्लिजेंसी का मामला हो, सेवा दोष का मामला हो, बैंक से जुड़ा हुआ मामला हो, टोल से जुड़ा हुआ मामला हो, चूंकि आप पत्रकार हैं मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, टोल रोड पे आप जा रहे हैं तो उसके लिए भी बाकायदा नियम बने हुए हैं, अगर उस व्यवस्था को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, पालना नहीं कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, कोचिंग के खिलाफ जा सकते हैं। यो कह सकता हूं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहां पर उपभोक्ता से जुड़ा हुआ मामला नहीं हो, और उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ मामला है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए उपभोक्ता सावचेत होकर प्रशासनिक स्तर पर भी जा सकता है, उपभोक्ता आयोग के दरवाजे पर आ सकता है। मेरा विश्वास और संकल्प है, मेरा दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूं, उपभोक्ता को
कानून सम्मत सुनवाई का अवसर देते हुए सेवा प्रदाता को भी सुनवाई का अवसर देते हुए त्वरित न्याय देना और पारदर्शी तरीके से त्वरित न्याय के साथ उपभोक्ता के चेहरे पर खुशी आए, ये मेरा संकल्प है और इसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। सभी विद्वान अधिवक्ता, बार के सभी साथी, आपके युवा साथी और उपभोक्ता संगठनों चलाने वाले, और मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र चौथे स्तंभ मीडिया ने सहयोग किया, तो चूरू की धरती पर जो मैं आज पीड़ा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत कहते हुए इस बात के लिए कहीं कहीं मन में छोटी सी पीड़ा है, क्योंकि मैं भी एक गाँव से किसान के परिवार से निकला हुआ इंसान हूँ, मैंने महसूस किया है पीड़ा को। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो किसान जिसके साथ एक पीड़ा हुई है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, और सामूहिक प्रयास होगा तो जो आज यहाँ हम लोग 4,000-5,000 फसल बीमा के प्रकरण देखते हैं, सकारात्मक सोच के साथ किसान उपभोक्ता के रूप में बैठेगा, उनका प्रतिनिधि बैठेगा, उनका वकील बैठेंगे, और विपक्षी बीमा कंपनी बैंक के जो प्रीमियम लेने वाले सेवा प्रदाता हैं वो एक प्लेटफॉर्म में बैठ के बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को न्याय मिलेगा और त्वरित न्याय मिलेगा। बहुत अच्छी बात है आपने बताई, आज साइबर फ्रॉड को लेके, फसल बीमा को लेके और उपभोक्ता संरक्षण कानून को लेके बहुत सारी बातें बताई। आमतौर पर कानून जो है, विधि जो है, भारी भरकम विषय माना जाता है और एक बोझिल विषय भी आम आदमी की नज़रिए से हो सकता है, लेकिन आपने बहुत ही सरल और रोचक ढंग से सारी बातें बताई। निश्चित रूप से इससे उपभोक्ताओं में जागरूकता आएगी और इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपने, आप हमारे साथ थे मील साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्ज्वल हो और आप ऐसे ही निरंतर अच्छे फैसले दें और ऐसे ही लोगों को जागरूक करते रहें, ताकि लोगों में अधिक जागरूकता आए। उपभोक्ता संरक्षण कानून की सार्थकता इसी में है कि हम पहले तो जागरूक हों कि हमारे साथ कोई छल हो ही नहीं, और उसके बाद यदि हो जाता है तो हम आयोग की शरण लें, आयोग के पास जाएँ, अपना आवेदन दें और न्याय के लिए जो है प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारा प्रयास जो हमें एक जागरूक उपभोक्ता बनाएगा और एक एक अच्छे और जागरूक समाज की, एक अच्छे और जागरूक देश की जो संकल्पना हमारी है वो साकार होगी। आज आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीन साहब।